पिटूनिया में कितनी खूबसूरत सी फ्लावरिंग हुई है। और पिटूनिया का फूल सर्दी का एक बहुत ही प्रोमिनेंट फूल है जो कि बहुत सारे कलर्स और वेराइटीज में आता है। अभी आपने भी पिटूनिया अगर लगाए हैं तो उनमें अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही होगी, लेकिन फ्लावरिंग होने के बाद पिटूनिया में और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि हमारे पौधे में लंबे समय तक ज़्यादा फ्लावरिंग हो सके, इसके बारे में मैं बात करूंगी। पिटूनिया में कुछ लोग काफ़ी कॉमन सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से अचानक से उनका पिटूनिया मर जाता है। तो पिटूनिया में ब्लूमिंग होने के बाद किस तरीके से आपको उसका ख्याल रखना है कि आप लंबे समय तक ज़्यादा फ्लावरिंग ले सके, इसके बारे में विशेष बातें मैं आपको बताऊंगी। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। तो ये जो पिटूनिया मैंने लगाए थे नवंबर महीने में लगाए थे मैंने इन्हें, और थैली वाले से लगाए थे, थैली के पौध में लेकर आई थी उनसे, और इनमें देखिएगा ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन ब्लूमिंग होने के बाद भी पिटूनिया अचानक से कई बार ऐसा होता है कि आपका पिटूनिया आज तो अच्छा दिख रहा है लेकिन कल वो एकदम से डेड जैसा हो जाएगा, उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी और बिल्कुल फूल पौधा आपका खराब हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह यह है कि इसमें रखनी पड़ती है हमें वाटरिंग का ध्यान। चूंकि ये गमले के पौधे हैं तो गमले के पौधे जो हैं उनमें वाटरिंग सूखनी भी नहीं चाहिए फूलों के टाइम पे, और वाटरिंग मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए। तो ये देखिएगा, तो इसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखें कि आप जब वाटरिंग करें तो आप पहले तो मिट्टी को चेक करें, मिट्टी की जो टॉप लेयर है वो थोड़ी सी सूखी सूखी लगे तो आपको इसमें वाटरिंग करनी है। ये साइड से आपको हटा के पानी देना होता है, पानी इतना दें कि अच्छे से पौधा सैचुरेट हो जाए और ड्रेनेज होल से उसका पानी निकल कर आ जाए। दुनिया में या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट में ओवरहेड जो वाटरिंग है वो कभी भी रिकमेंडेड नहीं होती। देखिए कितनी सुंदर और डेलिकेट इसके फ्लावर्स हैं, पत्तियां थोड़ी सी वेलवेटी और फ्लैशी फ्लैशी हैं, तो पानी अगर ऊपर से देंगे तो पानी इसमें ठहर जाएगा और पौधे में लग जाएगी फंगस, और जैसे ही आपके पौधे में फंगस लगी और वो पौधा आपका मरना तय है। दूसरी बात जो आती है पिटूनिया में वो ये है कि ब्लूम्स हो रहे हैं, इसमें रेगुलर बेसिस पे ब्लूमिंग होती है। देखिए कितनी सारी ब्लूमिंग है मेरे एक पौधे में, और इसमें जो फ्लावर्स हैं वो भी रेगुलरली विदर होते हैं। तो इनकी आप करिएगा डेड हेडिंग। डेड हेडिंग पिटूनिया में बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और ज़रूर करिएगा, क्योंकि डेड हेडिंग अगर आप नहीं करेंगे, और डेड हेडिंग भी देखिए आप नीचे तक करिए, ये देखिए पूरी नीचे तक डेड हेडिंग करेंगे। डेड हेडिंग अगर आप इसमें नहीं करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक तो ये इसमें सीड पॉट बने लगेगी फ्लावर्स में, तो आप सीड जैसे ही फ्लावर में बने पौधा की फ्लावरिंग जो होती है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। तो डेड हेडिंग करना जरूरी है। और दूसरी बात ये कि जो पके हुए फूल रहते हैं इसमें उनमें ज़्यादा जो है वो फंगस लगने की चांसेस रहते हैं, तो आप डेड हेडिंग जरूर कीजिएगा। पिटूनिया में स्पेशली डेड हेडिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जिस फ्लावर में ज़्यादा ब्लूम आएंगे उस फ्लावर में डेड हेडिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और ये सारे के सारे फूल जितने भी मैं डेड हेड करके निकालती हूँ मैं सारा कचरा इकट्ठा करती हूँ और कंपोस्टिंग में डालती हूँ। पिटूनिया में एक और प्रॉब्लम आती है कि कई बार इसका जो पौधा है वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है। ये मैंने हैंगिंग बास्केट अभी लगाई है पिटूनिया की, 8-1 दिन हुए हैं, और ये देखिए ये एक ही डायरेक्शन में पौधा बढ़ रहा है। इसका दो वजह होती है कि जिस डायरेक्शन में पौधे को धूप मिलती है उस डायरेक्शन में पौधा बढ़ता है। तो इसकी दो रेमेडी है, पहली बात तो ये है कि ये देखिए इधर से ये बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, तो मेरे को इसको करना पड़ेगा प्रून। तो प्रूनिंग, हालांकि जब फूल खिला है तो प्रूनिंग हमें बहुत खराब लगता है करना, ये देखिएगा डबल पिटूनिया है और इसमें अब मेरे को प्रूनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इसे प्रून नहीं करूंगी तो ये ग्रोथ इवन नहीं होगी। और प्रूनर जब भी प्रूनिंग करे तो प्रूनर आप हमेशा सैनिटाइज लीजिएगा, सैनिटाइज होना प्रूनर का बहुत जरूरी है। अगर प्रूनर सैनिटाइज नहीं है तो आपके पौधे में हो सकता है कोई इन्फेक्शन आ जाए, कोई डिसीज आ जाए और पौधा आपका फिर से खराब हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसको कर दिया है प्रून, और प्रून करने के बाद अब कुछ दिनों बाद इसमें नया फुटाव आएगा और अच्छी सी ग्रोथ निकलेगी। और जिस हिस्से पे प्रून किया है उस हिस्से पे फंजीसाइड पाउडर आप थोड़ा सा लगा दीजिएगा या फिर थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिएगा, जिससे फंगस होने की संभावना नहीं रहे। और दूसरी बात कि अगर आपके जो पिटूनिया के पौधे हैं
हर जगह देखिए आप धूप एक जैसी नहीं मिलती है, तो आपको पौधे को जिस साइड धूप ज्यादा मिलती है, ये देखिए इधर की साइड धूप ज्यादा मिल रही थी फूल खिले, इधर की साइड धूप नहीं मिली है, कम मिली है तो फूल कम है। तो आप जब भी पौधे आपके रखे हों स्टैंड वगैरह पे, तो आप उन्हें रोटेट कीजिएगा। तो अगर आप रोटेट करेंगे तो आपके पौधे में ग्रोथ भी इवन आएगी और फ्लावरिंग भी सब तरफ से होगी। एक और बात होती है कि पिटूनिया का पौधा, ये देखिए अचानक से ओवर वाटरिंग होती है, पौधा आपका हो जाता है खराब एक दिन में। ये देखिए रूट में फंगस लगनी शुरू हो जाती है, तो इसको आप साफ सुथरा रखिएगा पौधे को। ये पौधा थोड़ा सा घना घना रहता है, लेकिन आपको फिर भी इसको ध्यान रखें, नीचे डेड लीव्स वगैरह हो तो तुरंत आप उसे हटाएं, जिससे पौधा आपका बचा रहे। साथ में पिटूनिया में ज्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए इसे फर्टिलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये है हाई फीडर प्लांट। इसका लाइफ साइकिल करीबन रहता है 5-6 महीने में, हमने इसे लगाया और अच्छी सी फ्लावरिंग ली और ये प्लांट हो जाता है फिर खत्म। तो इसमें रेगुलर फ्लावरिंग हो, अच्छे से फ्लावरिंग हो, इसके लिए आपको इसको फीड करना जरूरी है। और फीडिंग जो मैं फीडिंग करती हूँ अपने सारे पौधों में, वो करती हूँ मैं सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर। तो सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर मैं किस तरीके से बनाती हूँ, इसका एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आपको दे दूंगी। और जो आप फर्टिलाइजर दें वो फर्टिलाइजर भी आप साइड से दें। फर्टिलाइजर का ये ध्यान रखें कि बिल्कुल भी पत्तियों को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर ने अगर पत्तियों को टच किया तो उसमें फंगस लग जाएगी और पौधा आपका अचानक से एक या दो दिन में ही, आप कल पौधा अच्छा था और आज पौधा खराब हो गया। ये बहुत आम सी बात है जो फ्लावरिंग प्लांट में देखने मिलती है, क्योंकि इनकी रूट्स बहुत छोटी होती है तो जल्दी से इनमें फंगस लग जाती है, तो फंगस का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही कुछ बातें थी पिटूनिया के बारे में जो मैंने आपको बताई, और अगर आप इस तरीके से अपनी पिटूनिया की केयर करेंगे तो डेफिनेटली आपके पिटूनिया, मैं मध्य भारत में रहती हूँ और मेरे यहाँ पिटूनिया मैंने अप्रैल एंड तक भी आराम से खिलते हुए देखे हैं, तो आपके पिटूनिया भी अप्रैल तक आराम से ब्लूमिंग करेंगे और भर भर के फूल देंगे, अगर आप मेरी बताई इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैप्पी गार्डनिंग।